अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8 बेटा, मैं आपकी मैथ्स की टीचर मिसेस इरम आरिफ। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। 7.2 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ये ट्रू और फॉल्स आपको खुद करने हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है ये उसको सुने, उसके हिसाब से ये आपके होंगे। और ये थ्योरी है आपकी, उस थ्योरी में से आप देखेंगे और ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इसका बताती हूँ कि ये किस तरह से होगा। ये पैरेललोग्राम की बात है, ये पैरेललोग्राम की साइन है, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब पैरेललोग्राम आपको पता है ना कि ये शेप किस तरह से बनती है। पैरेललोग्राम की जो शेप है वो इस तरह से बनती है, यूं करके ये इस तरह से होती है, ठीक है। तो इसमें 4 एंगल्स की बात हो रही है, ये 4 एंगल्स, ठीक है। ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90, इन सब का सम क्या बनेगा? इसका तो 180 और इसका 180, टोटल अगर 180 180 को मिलाएंगे आप तो 360 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अगर मेजर एंगल S जो है वो ट्विस्ट है W का, एंगल X ट्विस्ट है एंगल W का, यानी एंगल W 1x है और एंगल X 2x है, ट्विस्ट है, ठीक है। अब हमें मेजर मालूम करनी है एक एंगल की, ईच एंगल, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि ईच एंगल मेजर मालूम करनी है, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये लिखेंगे टोटल मेजरमेंट पैरेललोग्राम का कितना होता है, 360। मैंने आपको बताया ना, ये पूरा मिला के 360 डिग्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब आपने इसको फॉर्मूला समझ ले, या मतलब इस तरह से ये दो एंगल मैंने लिखे, मेरे पास दो एंगल की बात है, मेजर एंगल एक्स प्लस मेजर एंगल डब्ल्यू, दो एंगल्स, ये इनका सबका सम क्या कहलाएगा, 360 डिग्री, ये मैंने लिखा। अब 2 एज इट इज़ आ गया, मेजर एंगल x कितना है मेरे पास, 2x है, मैंने 2x लिखा, प्लस w की जगह मैंने 1x लिखा और सम लिख दिया मैंने 360, ठीक है। अब ब्रैकेट सॉल्व होगा, पहले 2 और 1 को प्लस करेंगे, 3x आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को हम इज इक्वल टू के बाद ले जाएंगे। जब ये इज इक्वल टू के बाद 2 को ले जाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था 3x से, मगर ये यहाँ पर डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते हैं ना हम, यहाँ हम इसको ला के डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने में हमने काटा 2 से, ये कटा, 180 डिग्री हमारे पास आंसर आया, ठीक नहीं, सॉरी आंसर नहीं, इसके बाद भी सॉल्व होगा। 3x आपने एज इट इज लिखा, 180 डिग्री लिखा। अब x के साथ 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 3 इज इक्वल टू के बाद आएगा तो ये डिवाइड होगा, जब ये डिवाइड होगा तो ये कटेगा, तो ये 60 डिग्री, यानी x मेरे पास 60 डिग्री आया, ठीक है। अब x 60 डिग्री आ गया, अब मुझे एंगल w मालूम करना है। एंगल W मेरे पास 60 डिग्री है, X यानी देखें ये एंगल W को हमने किससे एज्यूम किया था, X से किया था, तो X 60 या W 60 A की बात हो गई, ठीक है। देन अब मेजर एंगल X मेरे पास 60 आया है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, मैं इसको 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करती हूँ कि दो जो है वो इक्वल होंगे ना, तो ये दो के हिसाब से जब मैंने इसको किया, 2 को 60 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास यानी हमारे पास एंगल X तो ट्विस्ट है ना, 2 है एंगल x, तो w का 2 जो है वो x है, तो 60 का डबल कर दिया तो 120 आ गया, यानी x जो है मेरे पास 120 है और w मेरे पास 60 डिग्री, ठीक है। इस तरह ये सॉल्व हुआ। थैंक यू।